मुंबई के मालवड़ी इलाके से एक ऐसी घटना सामने आई जिसे देखकर आपका दिल दहल जाएगा। जी हां, मालवड़ी चर्च गांव में रहने वाले एक पिता ने हैवानियत की सारी हदें पार कर अपनी पत्नी को सबक सिखाने के लिए 5 वर्ष के मासूम बेटे की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने जानकारी दी कि सुबह 9:30 बजे आरोपी की बड़ी बेटी उसे स्कूल छोड़ने के लिए बोली, लेकिन वो नहीं गया, जिसके बाद आरोपी की पत्नी बड़ी लड़की को स्कूल छोड़ने चली गई। उसी बीच आरोपी सो रहे 5 वर्ष के अपने ही लड़के को बेरहमी से चाकू से गला काट कर मौत की घाट उतार दिया। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना के बाद हत्यारे बाप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी बाप का नाम नंदन खेम सिंह अधिकारी है। मुंबई से नवीक शक्ति न्यूज की रिपोर्ट। कल 19/11/2022 को मालवनी पुलिस स्टेशन में गुना 302 का दाखिल किया है। उसमें कंप्लेनेंट ने बताया दिया है कि उनकी लड़की कल 19/11/2022 को स्कूल में छोड़ने के लिए बोल गई थी, तब उसके पिताजी ने उसको छोड़ने के लिए मना किया। तब उसकी माँ उनको छोड़ने के लिए गई, तब घर में 5 साल का लड़का सो गया था। उसके पिताजी ने चाकू से गला काट के हत्या कर दी है। उसके बारे में उसको अरेस्ट किया है, उसको कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने उसकी पुलिस कस्टडी दी है। वो 6 महीने से कुछ भी काम धंधा नहीं करता था। उसको छोटे छोटे इशू पे गुस्सा आता था। आरोपी क्या करता है सर, क्या कुछ जानकारी मिली? आरोपी 6 महीने से कुछ भी काम धंधा नहीं करता था, कभी कभी अंडे के दुकान पे बैठता था। सर रीजन क्या, ऐसा कुछ आपस में विवाद, घर में झगड़ा, ऐसा कुछ लेके उसने ऐसा किया? ऐसा ही इन्वेस्टिगेशन चालू है, लेकिन अभी तक कुछ सामने नहीं आया है। ठीक, थैंक यू। अच्छा।